हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है हायर नॉन कोर डेटा, और हायर नॉन कोर डेटा में आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज, इसको हम स्टारफिश या पेंटोसोरस के नाम से भी जानते हैं। स्टारफिश का जो एम्बुलेक्टरल सिस्टम है या वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसको हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, जो कि एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बेस पर इसकी सभी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा अभी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि हायर नॉन कोडेटा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो पाइला से रिलेटेड हो, चाहे वो नेजी से रिलेटेड हो, चाहे वो पेलीबोन से रिलेटेड हो, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपको चैनल के अंदर जाना है, वहां पर आपको हायर कोडेटा या लोअर नॉन कोडेटा और बॉटनी के जितने भी आपके प्ले लिस्ट है, बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी सेमेस्टर है उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, और वहां पर वीडियो भी कुछ अपलोड हो चुके हैं जो कि एग्जामिनेशन पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज। एस्ट्रियाज का यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये न्यूट्रिशन, आखिर ये किस चीज को खाता है। तो ये जो है मांसभक्षी है, मतलब कार्निवोरियस है। कार्निवोरियस है मतलब कि आपको पता है छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जिनका लोकोमोशन बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे चलने वाले एनिमल्स, जैसे कि सीपी या मोलस्का या फिर छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं उनको खाता है। ठीक है, उनको किस तरीके से, अपनी आर्म्स की हेल्प से। आपको पता है इसकी जो फाइव आर्म्स होती हैं जिसको कुछ इस तरीके से ये पकड़ता है। ठीक है, इसकी बॉडी में हमको स्टडी करेंगे तो हमको पता चलता है कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर सेकेंड इसका है डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर उसके बाद हम जितने भी इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये फूड को पकड़ता है या कैसे डाइजेशन करता है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमको इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ये फूड को पकड़ता है। देखो, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको इसके दो सरफेस है। सबसे पहले इसकी बॉडी के दो सरफेस होते हैं, एक एबोरल सरफेस, ठीक है, ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसको हम एबोरल सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे वाला सरफेस होगा उसको हम बोलते हैं ओरल सरफेस। ओरल सरफेस, वहां पर ओरल सरफेस पर माउथ प्रेजेंट होता है और एबोरल सरफेस पर एनस प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्टिंग होता है ओरल सरफेस से, मतलब की माउथ से, और एंड होता है इसका एबोरल सरफेस पे, मतलब की इसके एनस पर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे ही किसी अपने आर्म्स की हेल्प से छोटे छोटे एनिमल्स को ऐसे पकड़ता है, और पकड़ने के बाद ये जो है अपने कार्डियक स्टमक से इसके जो उसके बाद जितनी भी इसकी इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि माउथ, इसोफेगस, फिर स्टमक। स्टमक को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि पारोलिक स्टमक या कार्डियक स्टमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, फिर फाइनली एनस पर इसकी जो है एलिमेंट्री कैनाल फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर में कुछ आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम की हेल्प से आप वहां पर एग्जामिनर को समझा सकते हैं। उसके बाद आपके जो पॉइंट आता है इसके बेस पर कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसको कैसे स्टडी करना है, वो सब अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेटिंग डालेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज। अब हम यहाँ पर एस्ट्रियाज या पेंटासेरोस या स्टारफिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, या फिर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, या फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हम यहाँ पर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं या ग्लैंड्स हैं या एलिमेंट्री कैनाल है, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को, ठीक है, क्या खाता है और किस तरीके से अपने फूड को पकड़ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कार्निवोरियस होता है, मतलब मांसभक्षी होता है, तो कैसे अपने फूड को पकड़ता है, फिर उसे कैसे डाइजेस्ट करता है, और उस डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं, और वो एंजाइम कौन सेक्रेट करता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे स्ट्रक्चर, और बाद में मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज के बारे में, तो डायग्राम में अगर देखेंगे तो डायग्राम को आपको इस तरीके से समझना है, जैसा कि आप ऊपर वाला जो डायग्राम है ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में इसी को एक्सप्लेन करना होता है। और इसमें आपको सिर्फ सबसे पहले आपको फाइव आर्म्स बना लेने होंगे, स्टारफिश के जितने भी इसके जो एस्ट्रियाज के फाइव आर्म्स है इसको आप बनाएंगे। उसके बाद इसके में जो जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स को। ये है पायरोलिक सीका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको जरूर बनाना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये मेट्रिपोराइड साइड में है, और इंटेस्टाइनल कैनाल एंड देन पायरोलिक डक्ट,
ठीक है। और ये जो फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में, पायरोलिक सीका एंड दिस इज एनस, यहाँ पर देखो इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओरल साइड से स्टार्ट होता है, अब ओरल साइड्स पर फिनिश होता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप डायग्राम देख ले, ठीक है। डायग्राम में कौन सी पार्ट्स कहाँ पर है, जैसे रेक्टम यहाँ पर है, आर्म्स ये है, और ये लोब्स ऑफ कार्डियक स्टमक, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये आपको सिर्फ छोटी सी एक बात समझाना चाहेगा कि यहाँ से जैसे ये माउथ है और ये ओरल साइड होता है, और ये एनस है, दिस इज अबोरल साइड, ठीक है। दो साइड्स होते हैं, एक ओरल साइड्स एक अबोरल साइड्स, ये माउथ यहाँ से स्टार्ट होता है, एनस पर फिनिश होता है, और इसी के बीच जितनी भी स्ट्रक्चर आएंगी उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर नोट करेंगे, स्टारफिश हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो कंप्लीट क्यों कहा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट है, और इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कंप्लीट है, और काफ़ी विकसित तरह का है, मतलब डेवलप टाइप का है। और इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूबुलर है, स्ट्रेट है, शॉर्ट है, एक्सटेंड करता है ओरल टू अबोरल सरफेस पर, ठीक है। तो इसलिए हमने कह दिया कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट रूप से डेवलप है, और विद ए माउथ एट द सेंटर, इसका जो माउथ है वो सेंटर पर और देयर अंडर साइड मतलब कि ओरल साइड पर प्रेजेंट होता है, एंड एनस, एनस इसका जो होता है आर द अपर सरफेस, जो कि अपर सरफेस या अबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अबोरल साइड्स। सो द पायरोलिक सीका, ये जो पायरोलिक सीका है और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको हम इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करते रहे कि पायरोलिक सीका और पायरोलिक सीका को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, एंड कार्डियक स्टमक जो होता है ये दोनों पायरोलिक सीका और कार्डियक स्टमक, ठीक है, क्योंकि स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक स्टमक एंड पायरोलिक स्टमक। तो ये जो कार्डियक स्टमक होता है और पायरोलिक सीका होता है, ये दोनों एक डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो एस्ट्रियास का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल अब की अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पर आप डिफाइन करना चाहें, या फिर अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके से वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूबुलर है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और स्ट्रेट है, सीधी है, शॉर्ट है मतलब थोड़ी छोटी है, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है, एक्सटेंड करती है ओरल टू अबोरल सरफेस। कैसे, देखो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर फिनिश होती है, ओरल से स्टार्ट होती है, अबोरल सरफेस पर फिनिश होती है। अब इसके बाद जो जो भी स्ट्रक्चर इसके बीच में आएगा उसी को हमको डिफाइन करना होता है। तो अब हमें सबसे पहले आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरल सरफेस पर। ओरल सरफेस की सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, माउथ है, ठीक है, तो हमें माउथ को डिफाइन करना होगा। ये जो माउथ होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस, ठीक है, आप उसकी स्थिति के बेस पर डिफाइन करेंगे, आप उसके पोजीशन मतलब इसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कार्य क्या है, मतलब फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स है जिसके बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ माउथ के बेस पर मैं पूरा बोर्ड भर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझे, मतलब कोई ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने इतना सा लिखा है तो सिर्फ इतना ही हो सकता है। अगर आप एग्जामिनेशन पेपर में आपके पास समय है तो आप अच्छी तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस, इट इज शोर द स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, एक स्फिंक्टर मसल्स होती है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू ग्रेट एक्सपेंशन, मतलब की थोड़ा फैलने की, चौड़ा होने की, और रिडक्शन और थोड़ा सिकुड़ने की, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है, ठीक है, इस माउथ के अंदर। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट आता है कि माउथ जो होता है वो डायरेक्टली कहां पर ओपन होता है, इसोफेगस में, ठीक है। अब इसोफेगस की बात करें तो माउथ लीड्स इनटू द शॉर्ट इसोफेगस एंड दिस लीड्स इनटू स्टमक। तो हम क्या कह सकते हैं कि माउथ को स्टमक से जोड़ने वाली जो कैनाल होती है, या फिर कोई एक शॉर्ट एक नलिका जो कि उसको हम बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि माउथ को जोड़ने वाली जो स्टमक, माउथ और स्टमक को आपस में जोड़ने वाली जो नलिका है, जो कैनाल है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। और ये जो है माउथ लीड्स इनटू शॉर्ट इसोफेगस एंड दिस लीड्स इनटू द स्टमक। अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट आया हमारा स्टमक। आई होप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। तो स्टमक जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डियक स्टमक एंड पायरोलिक स्टमक।
कार्डियक स्टमक की अगर हम बात करें तो यह जो है फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करो तो सबसे पहला ही फर्स्ट पार्ट देखो, इसे माउथ, उसके बाद ही देखो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से भले ही ना दिखाई दे रहा हो लेकिन ये माउथ है और ये जो है इसोफेगस है, और जस्ट इसोफेगस माउथ को और स्टमक को जोड़ने वाला बीच में इसोफेगस और फिर आया स्टमक। स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कार्डिक एंड पारोलिक। सबसे पहले क्या आया, कार्डिक स्टमक। ठीक है, तो अब हम ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है कार्डिक स्टमक है। कार्डिक स्टमक फर्स्ट पार्ट है, सबको दिखाई दे रहा, सबसे पहला पार्ट कार्डिक स्टमक है और बिग है। ठीक है, ये बड़ा होता है और 5-lobed होता है। ठीक है, और ये काफी मस्कुलर होता है, 5-lobed होता है, हाईली फोल्डेड होता है, इसमें काफी फोल्ड पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, म्यूकस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है पारोलिक स्टमक। इसके बाद आप देखेंगे जस्ट पारोलिक स्टमक है। पारोलिक स्टमक की अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो द पारोलिक स्टमक इज स्मॉल, ये जो है कार्डिक स्टमक की कंपैरिजन में स्मॉल होता है एंड स्टार शेप का होता है। इच एंगल ऑफ द स्टमक इज ड्रॉन इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स। इसका जो प्रत्येक एंगल होता है, इच एंगल जो होता है वो आर्म्स में, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, कॉरेस्पॉन्ड करता है आर्म्स में। ठीक है, इसकी जो आर्म्स आप समझ सकते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर। उसके बाद दिस इज द ब्रांचिड, और ये ब्रांच होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांचिड भी है, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड पायरोलिक सिका। देखो यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं पायरोलिक सिका। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि पायरोलिक सिका जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सेक्रेट करते हैं, इसलिए इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का वर्क होता है लाइक पैंक्रियाज की तरह वर्क करता है, एंड दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड दे स्टोर द रिजर्व फूड, और ये रिजर्व फूड स्टोर करने का भी कार्य करते हैं। अब उसके बाद जो स्टमक होता है, स्टमक मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स में होता है, कार्डियक एंड पायरोलिक। अब ये जो पायरोलिक स्टमक होता है डायरेक्टली ओपन होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इन आंत में, जिसको हम जनरली आंत कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इंटेस्टाइन जो होता है वो पायरोलिक स्टमक जो होता है वो ओपन इनटू 5-sided ब्रॉड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, विच इज ओपन थ्रू एनस, जो कि कहां पर ओपन होता है, एनस में। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या क्या स्टडी करा, हमने सबसे पहले आपको डिफाइन किया कि आखिर ये जो स्टारफिश का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसका वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहाँ पर एक बार नोट करेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट पार्ट क्या है, एनस। ठीक है, तो इतना अभी हमने डिफाइन कर लिया, अब आप इसको सबसे पहले नोट करेंगे। सो गाइज, अब आपको एडिंग डाल लेना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम यहाँ पर डाइजेस्टिव पार्ट 2 की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हमारा सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें जो फर्स्टली तो कार्डिक स्टमक जो होता है वो म्यूकस का सेक्रेशन करता है, और सेकेंडली जो पायलोरिक स्टमक के अंदर जो पायलोरिक सीका होते हैं वही डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो आप क्या कहेंगे, द पायलोरिक स्टमक आर अटैच्ड 10 long brownish, इनकी जो संख्या होती है लगभग 10 होती है, और एक आर्म्स में 2 पायरोलिक सीका होते हैं, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है, और ग्रीनिश और ग्रेंडुलर अपेंडिज, ये लगभग मैंने भले ही ब्लू कलर का बनाया है बट ये थोड़ा ब्राउनिश होता है और ग्रीनिश कलर का होता है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, हिपेटिक ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर हिपेटिक सीका भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देयर आर 2 पायरोलिक सीका इन इच आर्म्स, प्रत्येक आर्म्स में इसके जो है 5 आर्म्स से आपको पता है, और इस प्रत्येक आर्म्स में इसमें लगभग 2 पायरोलिक सीका होते हैं। इस प्रकार से आप सभी के सभी आर्म्स में कितने पायरोलिक सीका होंगे, 10 पायरोलिक सीका। ठीक है, और ये जो आपको पूरा एक ग्रुप पूरा जो दिखाई दे रहा है, इनकी इन ग्रुप की संख्या जो है वो लगभग 10 होती है। ठीक है, अब हम जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, अगर हम इसको काफ़ी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो पायरोलिक सीका जो ब्लू ब्लू कलर का दिखाया गया है, अगर इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तब आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यही होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और यही ऐसे ऐसे एंजाइम्स का सेक्रेट करता है जिसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन हो सके। ठीक है, आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे पाइथन होता है, अजगर होता है, मगरमच्छ होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने फूड को खाते नहीं, चबाते नहीं है, डायरेक्टली क्या करते हैं, निगल लेते हैं। अब निगलने के बाद इनके जो ये जिसको भी फूड को मतलब खाते हैं उसकी बॉडी के अंदर इनका जो एंजाइम होता है उसका पीएच मान काफ़ी मतलब एसिडिक होता है या बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसका जो फूड होता है कम्प्लीटली गल जाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।
ठीक है, इसी तरीके से इसके भी हर एक एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर पीएच मान होता है, ठीक है, जिस पर वो कार्य करता है। उसके आप एंजाइम का जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको अच्छी तरीके से ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके बीच वाला जो पार्ट है ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और इसमें आप देखेंगे ये इंटेस्टाइन है, और ये एनस है यहीं पर, और यहाँ पर ये सीकम है, ठीक है, ये पायरोलिक डक्ट है, और ये मेट्रीपोराइट है, और ये इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आता है फूड। देखो फूड क्या खाता है, ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ कि स्टारफिश जो होता है वो कार्निवोरियस है, ठीक है, मांसभक्षी है। तो इट फीड क्लैम्स, स्नेल, जो मोलस्का में पाए जाने वाला जो घोंगा होता है, जो कि आप इसी सिलेबस में पढ़ते हो, ठीक है, हायर नॉन क्रोडेटा में, उसका नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या मतलब उसके जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल उसकी जो सिस्टम है, वो सब एग्जामिनेशन पेपर में कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और उसके पायला के बारे में लगभग 7-8 वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, आप जाकर वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि इट फीड क्लैम्स, स्नेल या फिर क्रैब, जो केकड़े होते हैं या स्मॉल फिशेज होती हैं, मतलब जो धीरे स्लो चलने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको ये पकड़ करके खाता है, ठीक है। तो ये कार्निवोरियस है। और ये फीडिंग कैसे करता है, देखो फूड को पकड़ता कैसे है, फूड को मैंने आपको बताया कि स्टारफिश के अंदर एक वाटर सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से ये काफी अपनी बहुत सी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस करता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, मतलब अलग अलग तरह से इसकी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपको पता है, इसकी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें देखो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट, ये जो है ट्यूब फिट की हेल्प से अपने फूड को पकड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप एक बार थोड़ा सा मैकेनिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखो जिसके 5 आर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से है, ठीक है, और जैसे ही सपोज करो कि ये कोई इसका फूड आया और यहाँ पर है, तो इस फूड को इसके सभी के सभी आर्म्स जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे इस तरीके से हो गए, अब क्या होगा, ये जो फूड है इस एकदम तुरंत इसमें से इसका जो माउथ होता है, माउथ से इसका पूरा कार्डियक स्टमक बाहर निकल आता है, ठीक है, ओपन इनटू द इसका जो आर्म्स है वो पूरी तरीके से उसको घेर लेते हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद इसका जो कार्डियक स्टमक होता है, ठीक है, इसका जो कार्डियक स्टमक है वो बाहर निकल करके जो फूड होता है उसको कम्प्लीटली सराउंड कर लेता है, ठीक है, घेर लेता है, और घेरने के बाद अभी डायरेक्टली वहाँ से इसको पूरी तरीके से डाइजेशन, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, म्यूकस का सेक्रेशन होता है, आगे फिर पायरोलिक स्टमक में आपको पता है कि पायरोलिक सीका होते हैं। अब देखो क्या होगा, जब ये पायरोलिक स्टमक में पहुंच जाएगा फूड, तो वहां पर पायरोलिक सीका होता है जो कि अलग अलग तरह के एंजाइम सेक्रेट करते हैं जिसके हेल्प से उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो अब क्या होगा, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो तो एनएस के द्वारा एग्जिट हो जाएगा, बाकी जो कुछ फूड जो है वो रिजर्व हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कुछ फूड तो ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग बॉडी में ताकि उसको एनर्जी मिल सके, और बाकी कुछ फूड जो होता है वो इस पायरोलिक सीका के अंदर रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि जो पायरोलिक सीका है ये एक तरीके से फूड को रिजर्व करने का भी कार्य करता है, फूड को संचय भी करता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज। और इसमें आपको याद करने का, अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से एक ट्रिक बताऊं, तो आपको इतना रखना है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आपको पता है कि माउथ, फिर आइसोफेगस, फिर उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डिक स्टमक, पायरोलिक स्टमक, फिर उसके बाद स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन फाइनली ओपन होता है एनस में। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आपको ऑलरेडी बता देना है, स्पायरोलिक सिका को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसकी बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो गूगल पर डालेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पायरोलिक सिका, हिस्टोलॉजी भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है और सीलिएटेड होते हैं, मतलब अलग अलग तरह की इसकी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद फूड के बारे में बताना है कि आखिर ये खाता क्या है, किस किस किन एनिमल्स को खाता है, फिर आखिर अगर उसको फूड मिल जाए तो वो किस तरीके से फीडिंग करता है, मतलब उसको कैसे पकड़ता है और कैसे माउथ से स्टमक तक ले जाता है, फिर स्टमक में जाने के बाद कैसे उस फूड का डाइजेशन होता है, और फाइनली वेस्ट मटेरियल कहाँ पर निकलता है और फूड का उसका संचय हो जाता है, मतलब कि रिजर्व हो जाता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।